नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मेरठ के बहसुमा में आगामी 27 मार्च को बहसुमा थाना क्षेत्र के गांव सैफपुर फिरोजपुर में बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन की जानकारी देते हुए समाजसेवी शमीम अहमद ने बताया कि 27 मार्च को गांव सैफपुर फिरोजपुर स्थित पंजाबी धर्मशाला में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। कार्यकर्ता सम्मेलन में बसपा के जिलाध्यक्ष सतपाल सिंह पेपला तथा मुख्य अतिथि शमसुद्दीन राइन, प्रभारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश राजकुमार गौतम, प्रभारी मेरठ मंडल प्रदीप जाटव, सांसद मलुक नागर, तिलक चौधरी, मोहित जाटव आदि मौजूद रहेंगे। प्रेस वार्ता में कहा गया कि प्रदेश में चारों ओर भ्रष्टाचार, गुंडा राज, गरीबों को पेंशन आदि योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। पूर्व में रही बसपा की सरकार ने गरीबों एवं किसानों का गन्ना मूल्य बढ़ाया था, लेकिन सरकार लोगों का खून चूस रही है। दिन प्रतिदिन डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, खाद्य सामग्रियों पर बढ़ोतरी कर लूटने का काम किया जा रहा है। कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य रूप से प्रधान जितेंद्र जाटव, ठाकुर विजयपाल सिंह, धनीराम, अजब सिंह, मणिराम, ठेकेदार आदि शामिल रहे। हम पुराने टाइम से लगभग 2000 से 2018 तक बहुजन समाज पार्टी में रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र प्रधान, रामदास सिंह, विजयपाल चौहान हैं, तो लंबे समय हमने काम किया, लेकिन किन्हीं कारणों से हमने बहुजन समाज पार्टी को 2018 में छोड़ दिया था और तब से किसी दल में नहीं गए। अब 27 मार्च को हम रामराज में एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश के शमसुद्दीन राइन साहब और राजकुमार गौतम जी और प्रदीप जाटव जी, जो पूर्व MLC हैं, जिला अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हम सभी सैकड़ों साथी अपने सब समर्थकों के साथ पुनः घर वापसी कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। और जो हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं शमसुद्दीन राइन साहब, वो सेक्टर और बूथ कमेटी की समीक्षा भी करेंगे। अच्छा, क्या उद्देश्य है इसका? मतलब उद्देश्य ये है कि कोई भी सरकार कानून व्यवस्था सही नहीं चला पा रही है। जो कानून व्यवस्था बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी ने दी है, गरीब, मजदूर, मजलूम, किसानों का गन्ने का रेट बढ़ाना, बहुत सारी चीजें हैं, तो हम बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी से प्रभावित होकर पुनः बहुजन समाज पार्टी में वापिस हो रहे हैं। और हमारा लक्ष्य रहेगा कि जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है उनमें भारी बहुमत से बहुजन समाज पार्टी के जिला पंचायत के सदस्य ग्राम प्रधान जीते, उसके लिए हम सब लोग तन मन धन से मेहनत करेंगे। और आगामी 2022 में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, चार चार बार की मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की बहन कुमारी मायावती जी, पुनः पांचवी बार इस उत्तर प्रदेश की CM बने, जिससे गरीब, मजदूर, मजलूमों के हक और हितों की लड़ाई ठीक तरीके से लड़ाई जा, कानून का राज कायम हो, संविधान से उत्तर प्रदेश चले। आज कानून व्यवस्था नामी कोई चीज नहीं रह गई है, किसान परेशान है और सब लोग, व्यापारी परेशान है, कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा जिसका उत्पीड़न नहीं हो रहा है। जब तक इस उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री नहीं बन जाती, जब तक किसी का भला होने वाला नहीं है। और हम सब लोग ये प्रयास करेंगे कि बहन जी इस सूबे की पांचवी बार मुख्यमंत्री बने और इस सूबे की कानून व्यवस्था, विकास, सारी चीज को लेके चले, किसानों की जो समस्याएं हैं वो भी हो, गन्ने का रेट भी बढ़े। इसी की वजह से बहुजन समाज पार्टी में दोबारा से सैकड़ों साथियों के साथ 27 मार्च दिन शनिवार को 11 बजे पंजाबी धर्मशाला में बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हम उसमें शामिल होंगे अपने सब समर्थकों के साथ। जैसे निर्वाचन आयोग ने वार्ड 1 को SC वार्ड बनाया है, तो क्या इसमें किसको लड़ाना का आपका वो है? ये तो हमारा कोई मुद्दा ही नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, माननीय शमसुद्दीन राय साहब जिला अध्यक्ष जी या जो और भी नेतृत्व है प्रदेश लेवल का, जिसे भी वो टिकट देंगे, हमारा तन मन धन से उसे लड़ाने का काम करेंगे। पार्टी का फैसला है, ये हमारा नहीं है। मेरठ के बहसुमा थाना क्षेत्र के गांव मोड़ खुर्द में मजलूम समाज पार्टी के एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें वसीम रिजवी द्वारा आसमानी पवित्र किताब कुरान पाक की शान में गुस्ताखी करने पर कार्यकर्ताओं एवं क्षेत्र के लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया तथा पंचायत में मौजूद सभी लोगों ने हाथ उठाकर वसीम रिजवी की कड़ी निंदा की। मजलूम समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लियाकत मुस्लिम ने अपने संबोधन में कहा कि कुरान पाक एक ऐसी आसमानी किताब है जो पूरी दुनिया में अमन व भाईचारे का पैगाम देती है। वसीम रिजवी ने कुरान पाक की 26 आयतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर बहुत ही निंदनीय
एवं कृत्य काम किया है जो किसी भी हालात में काबिले बर्दाश्त में माफ करने योग्य नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग रखी है कि वसीम रिजवी को गधे पर बैठाकर मुंह कालाकर मुस्लिम समाज को सौंपा जाए और खुले तौर पर देश व दुनिया के सामने उनसे माफी मंगवाई जाए। मजलूम समाज पार्टी ने आज क्षेत्र के लोगों को, जो क्षेत्र के सम्मानित लोग हैं 36 बिरादरी के, उन्हीं से गुजारिश करके एक सभा की है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले गुस्ताख वसीम रिजवी ने कलाम पाक के 26 आयतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है और सभी लोगों ने, खासतौर से मजलूम समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार से मांग की है कि वो वसीम रिजवी के गले में जूतों की माला पहनाकर और गधे पर बैठाकर उसका मुंह काला करके मुस्लिम समाज को सौंपे, नहीं तो उसका सामाजिक बहिष्कार जारी रहेगा और मजलूम समाज पार्टी उसकी पुरजोर मजम्मत करती है, निंदा करती है। जहां भी वसीम रिजवी नाम का गुस्ताख मजलूम समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिखाई देगा, हम खुद उसे पकड़कर उसका मुंह काला करके गधे पर बैठाकर और उसे भरी पंचायत में मुर्दा बनाए। हम किसी को ना मारने की बात करते हैं, ना किसी की फांसी की सजा की बात करते हैं, हम तो सिर्फ मजलूम समाज पार्टी सिर्फ सामाजिक बहिष्कार की बात करती है। फांसी देने का या मारने का काम कानून का है, वो किसी आम आदमी का नहीं। जो गाजीपुर पर बैठे हुए हैं किसान, इसमें इसके बारे में क्या कहना है आपका? जो किसान गाजीपुर पर बैठे हैं और 113 या 14 दिन से धरने पे बैठे हैं, हमने हमेशा उनका समर्थन किया है, मजलूम समाज पार्टी ने हमेशा उनका समर्थन किया है और हमेशा उनका समर्थन करते रहेंगे। हमेशा हम किसानों के साथ हैं, हम भी छोटे से किसान हैं, किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ, किसान यूनियन के साथ, कंधे से कंधा मिलाकर, किसान यूनियन या संयुक्त किसान मोर्चा, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा उनके साथ रहेंगे। मजलूम समाज पार्टी ने 3 सूत्री फार्मूला सरकार के लिए तैयार किया है। नंबर 1, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे। नंबर 2, जो 3 बिल हैं, जो किसान विरोधी 3 बिल हैं, इनमें कम से कम 3 साल तक निलंबित रख के और इसमें जो जरूरी संशोधन है जो किसान हित में हो उसमें संशोधन किया जाए और किसानों, सरकार के नुमाइंदों और जो बुद्धिजीवी हैं हमारे, उन्हें बैठा कर एक समिति बनाई जाए और जो भी किसानों के हित में हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान की भलाई में हो सके और जो किसान की आय दुगनी या तिगनी कर सके, ऐसे नियम और कानून बनाए जाए। नंबर 4, किसानों के 4 साल से ये सरकार है, किसानों के गन्ने का एक रुपया भी रेट नहीं बढ़ा। हमारी मांग है कि कम से कम किसानों के गन्ने का 350 रुपये कुंतल प्रति कुंतल रेट किसानों को मिलना चाहिए। आगामी जो चुनाव आ रहे हैं, प्रधानी चुनाव है, जिला पंचायत चुनाव है, उसमें आपकी पार्टी क्या? अभी हमारी पार्टी नई लॉकडाउन के बाद बनी है। प्रधानी के यानी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हम कोई कितना किसी का सहयोग कर रहे, कुछ गिने चुने आदमी हैं उन्हें समर्थन कर देंगे। अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ पार्टी का, जिस दिन रजिस्ट्रेशन होगा इंशाल्लाह हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजलूम समाज पार्टी विधानसभा में 2022 के चुनाव में अपने उम्मीदवार को उतारेगी और जीतने की कोशिश करेगी। देखो पत्रकार बंधु, उसका कारण ये है, किसानों की बात ना मानने का कारण जो है, कोरोना काल में जो ये बिल इन्होंने पास किया है, यो बिल पास ऐसे ही नहीं हुआ, इन्होंने जो उद्योगपति थे, जो कारपोरेट घराने थे, उनसे अपना जो भी इनका वो सेटलमेंट दिया, उसमें ये बात हो गई थी कि भाई हम इस कानून को जो पास कर रहे हैं ये वापस नहीं लिया जाएगा। किसानों की जानकारी आज तक ये अखबार में नहीं आया, ये कानून अखबार में नहीं आया, हमारे हर आदमी को ये पता नहीं इस कानून में क्या है क्या नहीं। अगर हम सब लोग इस कानून को पढ़ लें, इसकी सारी उसमें जो त्रुटि है, जो अच्छाई है, उन्हें ग्रहण कर लें, लेकिन जब हमने वो पढ़ाई नहीं अखबार में, तो भाई वो इसका होगा क्या? रही बात वापस करने की, भैया जब मन ने किसी चीज़ से प्रधानी से किसी चीज़ की एवज में कुछ ले लिया, सपोज करो मोटी रकम ले ली, प्रधान जी कहेंगे भाई लो तब लो मोटी रकम, इस काम को तकड़ी तो मैं उसे वैसे ही करूँगा। इन लोगों ने कारपोरेट, अच्छा अडानी अंबानी को सब रख तूफान बना दिया, अरे कारपोरेट कराना तो और भी बहुत है यहाँ, अडानी अंबानी में तो मट्टी घेरो, और बहुत लोग हैं, इन्होंने उनसे पैसा ले करके ये कानून बनाया है और इसी वजह से अब अगर ये वापस ले तो वे जूता बजावे भाई, वे पैसा लेंगे,
वापिस कानून इस वजह से ले रहे जी है।